स्वागत है आपका आईपीएल 2019 से जुड़ी एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम ऑन पेपर आईपीएल 2019 में सबसे कमजोर लग रही है। तो बहुत ही बढ़िया ये वीडियो होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। तो अगर आप आईपीएल के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों इस तरह की टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा भारी पड़ता है, क्योंकि डिसलाइक जो है वो काफी ज्यादा आते हैं ऐसे वीडियो पे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। वैसे अगर बात करें दोस्तों आईपीएल 2019 में, तो किसी भी टीम को हमें कमजोर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सभी टीमें जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ आने वाली है आईपीएल 2019 में, जहां पर सभी टीमों ने अपने वीकनेस पे काम किया है और बहुत ही मजबूत हुई है सारी टीमें। लेकिन यहां पर एक आध ऐसी टीमें जो है वो देखने को मिल रही है ऑन पेपर, जो कि काफी कमजोर जो है वो आईपीएल 2019 में नजर आ रही है। दोस्तों आपको क्या लग रहा है, कौन सी टीम सबसे ज्यादा कमजोर है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आप यहां पर हमारी माने तो राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है वो काफी ज्यादा कमजोर आईपीएल 2019 में लग रही है। दोस्तों हम आपको पॉइंट भी बताएंगे कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर पॉइंट है इनकी बैटिंग। इनकी बैटिंग जो है दोस्तों T20 के अगर फॉर्मेट में हम देखें तो काफी ज्यादा कमजोर नजर आती है, जहां पर जॉस बटलर और संजू सैमसन को अगर आप छोड़ दें तो एक भी T20 स्पेशलिस्ट बैट्समैन आपको इस टीम में नहीं दिखेगा, चाहे वो अजिंक्य रहाणे हो या फिर हो राहुल त्रिपाठी। कोई भी T20 स्पेशलिस्ट बैट्समैन जो है आपको इस टीम में नहीं दिखेगा, सिर्फ जॉस बटलर जो है वो यहाँ पर बहुत ही तगड़े हैं, उनके अलावा संजू सैमसन भी काफी अच्छी T20 के बैट्समैन है। दोस्तों दूसरे रीजन की अगर बात करें तो स्टीव स्मिथ जो है वो आईपीएल 2019 की स्टार्टिंग से पहले ही आईपीएल 2019 से बाहर हो चुके हैं, जो कि एक बहुत ही की प्लेयर थे राजस्थान रॉयल्स के। पिछले साल भी नहीं खेल पाए थे और इस साल भी यहाँ पर एल्बो इंजरी के कारण वो आईपीएल 2019 से बाहर हो चुके हैं, और उनके चांसेस जो है वो काफी ज्यादा कम है अब आईपीएल 2019 में खेलने के। तीसरे रीजन की अगर बात करें और सबसे बड़े रीजन की अगर बात करें तो इस टीम के जो की प्लेयर है वो दोस्तों यहाँ पर प्लेऑफ्स के मैचों में या फिर कहें मई में हमें नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे आईपीएल 2019 में, जिनमें जॉस बटलर का नाम है, बेन स्टोक्स का नाम है। तो ये दो बड़े खिलाड़ी जो है वो अनअवेलेबल रहेंगे, और पिछले साल भी हमने देखा था जब ये दो प्लेयर गए थे तो कितनी कमजोर हो गई थी राजस्थान रॉयल्स की टीम। और इसके बाद दोस्तों एक और बहुत ही बड़ा झटका लगा राजस्थान रॉयल्स को, जहां पर जोफ्रा आर्चर भी जो है वो दोस्तों मई में आईपीएल 2019 को छोड़कर चले जाएंगे। दोस्तों यहां पर खबर निकल कर ये आ रही है कि जोफ्रा आर्चर भी इंग्लैंड स्क्वाड का हिस्सा होंगे वर्ल्ड कप 2019 के लिए, क्योंकि अब जो है उन्हें इंग्लैंड की नागरिकता मिलने वाली है। तो ऐसे में ये एक और बड़ा झटका होगा राजस्थान रॉयल्स की टीम को, और इन सभी रीजंस के लिए हम कह रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है वो काफी कमजोर है आईपीएल 2019 में। दोस्तों ये थे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, हमें क्या लग रहा था कि कौन सी टीम सबसे ज्यादा कमजोर है। अब आपको क्या लग रहा है आईपीएल 2019 में ऑन पेपर कौन सी टीम जो है वो सबसे ज्यादा कमजोर आपको लग रही है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।